देखिए, सबसे पहले तो सारे देश भर में अगर हम देखेंगे तो समस्या दो बातों को लेकर है, एक ऑक्सीजन को लेकर है और दूसरा जो है वो रेमडेसिविर इंजेक्शन के ताल्लुक से है। ऑक्सीजन ये हम चाहे तो हम कर सकते थे और इसको यहाँ पर प्रशासन ने, डीन ने, जितने भी अधिकारी हैं, लोक प्रतिनिधि हैं, सब लोगों ने मिलकर ये तय किया कि हम ऑक्सीजन की कमी को है वो अपने तौर के ऊपर कम कर सकते हैं। जो भी कंपनी थी उसको इमीडिएट ऑर्डर दिया गया और उनको बताया गया कि इतने फिक्स टाइम के अंदर आपको ये काम करने का है और वो काम कमीशन हो गया है। मंडे से हमारे पास ऑक्सीजन कम से कम सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग के अंदर इसकी कमी नहीं रहेगी। इसकी वजह से तकरीबन 200 से 250 और बेड्स हम ऐड कर रहे हैं जो ऑक्सीजन के बेड्स रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। रेमडेसिविर के ताल्लुक से ये है कि चूँकि एक दूसरी कंपनीज मैन्युफैक्चर करती है, उनके ऊपर लगातार प्रेशर बनाए हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंजेक्शन्स यहाँ पर दे। ये पूरी प्रक्रिया के अंदर मैं औरंगाबाद के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो जिलाधिकारी सुनील चौहान साहब हो, सुनील केंद्रेकर साहब हो, या म्यूनसिपल कमिश्नर हो, डीन यहाँ के, या सुधीर चौधरी साहब जो सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग के इंचार्ज है, ये सभी लोगों की मेहनत की वजह से आज ये पॉसिबल हुआ है, तो इसकी बहुत बड़ी राहत है तो पेशेंट्स को मिलने वाली है। लेकिन अपना कम से कम ये है कि दूसरे शहरों के अंदर जो ऑक्सीजन की मारामारी थी अब बहुत हद तक अपने पास ऑक्सीजन की अच्छे हिसाब रेमडेसिविर भी ओन भी औरंगाबाद इज गिविंग सम रेमडेसिविर, नहीं तो बाकी पास नहीं है। आज भी है मेरे पास, मैडम के पास भी है, सिविल में भी है, एम्स में भी है। सर हमने फरवरी में ऑर्डर दे के रखे जबकि पेशेंट बिल्कुल सब स्टेट में क्लियर चलिए।